नमस्कार, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय पार्टी के बारे में देखा था कि राष्ट्रीय पार्टी कब राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता है जो उसे कब मिलती है, तो हम अनेक अलग अलग क्राइटेरिया को देखे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो में, ये जो वीडियो होगा ये पॉलिटी रिवीजन का थर्ड पार्ट होगा। यहाँ पे ये जो है थर्ड पार्ट होगा और इस थर्ड पार्ट के साथ ही ये पॉलिटी रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, या ये हम कहें कि ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो कंटेंट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और ये वही कंटेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज करना है और अपने पास जो है कुछ ना कुछ के नोट्स जरूर बना करके रखने हैं, क्योंकि आप एग्जाम से ठीक कुछ समय पहले इस चीजों को आप देख सकें, एक दो दिन पहले आप देख लेंगे तो क्या होगा कि इस चीज का फिर से माइंड में रिवाइज हो जाएगा और ये चीजें अच्छे से एग्जाम में आपको याद रहेंगी। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हम ऐसे ही नए नए कंटेंट या कहें कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मटेरियल है या जो कंटेंट है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होना है। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको सारे कंटेंट के बारे में पता लगे और उस चीज को आप अप्लाई कर सको अपने एग्जाम के बाद, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के बाद बात करते हैं राज्य पार्टी का दर्जा, यानी ऐसी क्या क्राइटेरिया रहेगी किसी पार्टी की जिसको हम राज्य पार्टी का दर्जा देंगे या राज्य पार्टी की मान्यता उसे दी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मतदान है, वैध मतदान का अगर हम कहें तो कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए किसी भी पार्टी को जिसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और तथा विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें उसे जीतनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा के चुनाव में उसे कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए और मतदान जितने भी वैध मतदान हुए हैं उसका 6% उस पार्टी को मिले, तब जाकर के उस पार्टी को हम क्या कह सकते हैं, राज्य पार्टी का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे 6% वैध मतदान, ठीक है, यहाँ पे तो बात हो गई। तो ये ध्यान देना है कि ये सब और है, या ये हो या अगर ये नहीं है तो 6% वैध मतदान हो उसके पास और कम से कम 1 लोकसभा सीट जो है उसे जीतनी चाहिए, ठीक है। या अगर हम बात करें तो उस पार्टी के को विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें, जो विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उस राज्य में उसमें से 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जीत जाए, जो भी अधिक हो, चाहे 3% सीटों को अगर लिया जाए ये अधिक हो जाए या 3 सीटों को सिर्फ लिया जाए ये अधिक हो जाए, जो भी अधिक हो वो उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है तो राज्य पार्टी का दर्जा उसको दिया जा सकता है। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो लोकसभा आम चुनाव में राज्य की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट उसे जीतना अनिवार्य होता है, ठीक है, तब जाकर के उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर और हम इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो या इसके पास ये होना चाहिए कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% वोट जो है उसको प्राप्त हो, तब हम उसे राज्य पार्टी की कह सकते हैं मान्यता उस पार्टी को हम दे सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहा है वो पार्टी, तो हम उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे सकते हैं या राज्य पार्टी का दर्जा उसको संविधान में दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोक संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक में ये उल्लेखित है या नहीं है, ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेखना है या उल्लेख जो इसकी जो चर्चा है ये संविधान के भाग 14 उसके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के तहत ये उल्लेखित है। इसमें और क्या चीजें होती हैं संघ लोक सेवा आयोग में, यानी कि यूपीएससी में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अन्य सदस्यों को ही नियुक्ति होती है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, यानी कि जब यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य का निर्वाचन होता है या नियुक्त किए जाते हैं
तब से वो 6 साल तक उस पद पर वो नियुक्त नियुक्त रह सकते हैं, या अगर सेवानिवृत्ति भी जो है वो 65 साल तक की होती है, या तो जो पहले हो जाए, चाहे वो 65 साल के पहले हो जाए तब, जैसे 6 साल पूरे न हुए हों फिर भी अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी उनको रिटायर लेना पड़ेगा, या 6 साल अगर 65 साल से भी कम है और 6 साल उस सीट पर रहते हुए उनको पूरा हो गया तब भी वो वहां से वो रिटायर उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी के समकक्ष अगर हम बात करें, जैसे लोक सेवा आयोग जो है केंद्र में होता है, लेकिन अगर हम बात करें उसी के समकक्ष राज्य में जो होता है वो क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी नियुक्ति है, जैसे अभी देखिए राष्ट्र जो केंद्र में है वो कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन अगर राज्य में अगर ये राज्य लोक सेवा आयोग होता है तो यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, और यहाँ पे अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन होते हैं, एक चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। यहाँ भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो यहाँ 65 साल होती है, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ 62 वर्ष की होती है, यानी जो पहले हो जाए, या तो चेयरमैन या जो अग्नि सदस्य हैं वो अगर 62 वर्ष के हो जाते हैं, भले ही उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण न हुआ हो, तब भी उनको सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी या वो सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है उम्र और उनके ख्याल जो सेवानिवृत्ति है। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो केंद्र में एक वित्त आयोग होता है जो कि अनुच्छेद 280 में, जो संविधान के 200 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, और वित्त आयोग की जो बदलाव है या जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, यानी एक वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद चेंज हो जाता है, और ये कौन करता है, चेंज कौन करता है या नियुक्ति कौन करता है, हम कहें तो ये भारत का राष्ट्रपति करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, देखिए ध्यान दीजिए, वित्त आयोग में कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ ध्यान दीजिए केसी नियोगी, जो केसी नियोगी जी हैं ये भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में एनके सिंह है। ध्यान देना है, क्वेश्चन कई बार आता है वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये है एनके सिंह। और ये कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी करेंटली, तो करेंट में ये 15वां वित्त आयोग रनिंग में है, ठीक है। आइए बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय जाति के लिए, सॉरी अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया जाता है। ये ध्यान देना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है अलग अलग राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, जो कि एक जो है अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है या जो राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों, यानी भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं भारत में उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिया गया है या कुछ विशेष अधिकार इनको दिया प्रदान किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनका उल्लेख है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार दिया गया है, ये अधिकारी हो गया है, यहाँ पे ध्यान देना है ये लिखेंगे हम क्या, अधिकार, ठीक है। तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के कुछ विशेष अधिकार है और ये अधिकार संविधान में के भाग जो है 17, ध्यान देना संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350B में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कहते हैं क्या, CAG यानी कैग, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक स्वतंत्र पद होना चाहिए ऐसा उल्लेखित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हम कहते हैं कैग, ठीक है। अब ये काम क्या इनका होता है, तो ये देखिए ऑडिट और लेखा विभाग के ये प्रमुख होते हैं। जो भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा यानी जो कैग का प्रमुख होगा वो क्या करेगा, ऑडिट और लेखा विभाग का वो हेड होता है,
ठीक है। और किसकी ऑडिट करते हैं, किसके लेखा विभाग को ये देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं, जो बाद में ये रिपोर्ट दोनों सदनों में रखते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि ये लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जो राष्ट्रपति को सौंपने के बाद फिर ये रिपोर्ट जो है दोनों सदनों में रखी जाएगी, यानी लोगों को चर्चा के लिए रखी जाती है। तो ये अनुच्छेद 151 के तहत ऐसा उल्लेखित है या ऐसा कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं हम अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल का जो पद है ये अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में उल्लेखित है। ये जो है अटॉर्नी जनरल, ये कानून के यानी सबसे बड़े कानून अधिकारी का पद होता है। ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो सबसे बड़ा भारत का कानून अधिकारी का जो पद है ये सबसे बड़ा अटॉर्नी जनरल का होता है। ठीक है, और इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति, अगर मान लीजिए कि किसी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो उसकी पात्रता है, जो इसकी योग्यता है, वही योग्यता या पात्रता अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए, तभी जाकर के वो भारत में केंद्र में अटॉर्नी जनरल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। फिर राज्य में जो कानून का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, और इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 165 के तहत की गई है। राज्य का ये उच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है, और इसकी जो योग्यता या पात्रता है, जैसे देखिए यहाँ पे केंद्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है उसकी नियुक्ति, या जो उसकी नियुक्ति होने की पात्रता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है, लेकिन एडवोकेट जनरल की जो पात्रता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान देना है गैर संवैधानिक निकाय, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ निकाय या कुछ जो संस्थान है, जो गठन है, उनके नाम दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है, या कौन इसमें से संवैधानिक निकाय है, या कौन इसमें से वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो गैर संवैधानिक निकाय जो है, सबसे पहले बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या है, तो इसकी स्पेलिंग जो है NITI, यानी नीति का फुल फॉर्म है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जो नीति आयोग है ये 2015 में सरकार के द्वारा लाया गया था। नीति आयोग की जो एक कह सकते हैं कि जो ये गठन है, ये 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, और ये किसके जगह पे लाया गया है, तो ध्यान दीजिए ये योजना आयोग, जो कि 1947 के बाद से ही चलना शुरू हो गया ये योजना आयोग, और पंचवर्षीय योजना आयोग के नाम से ये जाना भी जाता है, लेकिन सन 2015 से इसको चेंज करके किस लिए चेंज किया गया, तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे, कि योजना आयोग जो था इसका जो मॉडल था ये सिर्फ डाउन मॉडल, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर मॉडल पर ये आधारित था, इसको बदल दिया गया। किसको रिप्लेस, किसको, किसके साथ, तो नीति आयोग लेकर के आया गया, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो नीति आयोग का जो मॉडल है ये है डाउन अप, यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर, इस मॉडल पर ये आधारित है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जिस कार्यकाल में, चाहे वो योजना आयोग रहा हो उस समय भी इसके अध्यक्ष जो होते थे, यानी जो प्रमुख होते थे, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग में भी वही चीज है कि अध्यक्ष जो है वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और अभी अगर हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, जो हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष का भी पद है, और ये जो पद है इनका कौन, इन्होंने ग्रहण किया हुआ ये पद, तो राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और गैर संवैधानिक निकाय की, और ये निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, NDC। ध्यान देना है नेशनल विकास, सॉरी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। इसकी जो स्थापना है अगस्त 1952 में की गई थी, ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो अगस्त 1952 में इसे स्थापित किया गया था। ये न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक है, यानी कौन है ये, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है।
बात का ध्यान रखना है, हम पढ़ क्या रहे हैं तो गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। एनडीसी के सदस्य के बारे में अगर बात करें तो इनमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं हमेशा से, और अभी कौन है हमने बात किया अभी ऊपर, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, और यही नीति आयोग के अभी अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं। मतलब तो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कई कह सकते हैं कि जो संस्थान है उनके प्रमुख होते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, या कह सकते हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने सभी मंत्री जो भी होते हैं ये उसके सदस्य होते हैं, और ये कब से किया गया, तो ये 1967 से किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ एनडीसी में सभी राज्यों के सीएम सदस्य होते हैं, साथ में संघ शासित प्रदेशों के अगर वो सीएम हैं या प्रशासक हैं तो ये दोनों एनडीसी के सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ योजना आयोग के सदस्य, यानी योजना आयोग की बात करें तो यहाँ पे किसको हम रख सकते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो एनडीसी के सदस्य होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, एक और है गैर संवैधानिक संगठन, है ना, और इसका क्या नाम है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, यानी कि एनएचआरसी। यानी एनएचआरसी का मतलब क्या हुआ, तो नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, रिसोर्स कमेटी, ठीक है, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान देना है, ये एक वैधानिक निकाय है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ध्यान देना, इसकी स्थापना जो है एनएचआरसी की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कब की गई, तो 1993 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और एक अधिनियम के द्वारा 2006 में इसमें थोड़ा संशोधन भी किया गया, ठीक है, हम बात करेंगे क्या संशोधन है, एक वीडियो हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं, जितने भी संशोधन किए गए हैं, मुख्य मुख्य जो संशोधन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन सभी संशोधनों को लेकर के हम एक नए वीडियो के साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो अगर हम बात करें आगे, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी, इसकी जो स्थापना है, ध्यान देना, सीआईसी की स्थापना जो है 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि ये वैधानिक है, यानी कि गैर संवैधानिक है, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त, इसमें कौन कौन होता है, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त इसमें होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम अगले संगठन की, तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त किस लिए स्थापित किया गया, या इसकी स्थापना किन कारणों से हुई, तो ध्यान देना कि जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी होते हैं, जिनको कहते हैं ओम्बड्समैन, जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। यानी लोकपाल और लोकायुक्त ये जो पद है, इसकी स्थापना सन 2013 में स्थापित की गई थी, किसके तहत, तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था 2013 में, ठीक है। इसके तहत लोकपाल की या लोकायुक्त की स्थापना की गई, और ये किसके लिए, तो ये एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी है, जिनको ओम्बड्समैन भी कहा जाता है, ओम्बड्समैन भी कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होती है और प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान है। यानी कि जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इसके तहत केंद्र में एक लोकपाल होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे के स्थापित वैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ध्यान देना है कि जो अभी लोकपाल हैं हमारे, या हम कहें प्रथम लोकपाल जो है अभी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ये प्रथम लोकपाल हमारे थे, यह है या अभी भी हैं ये, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष।
तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ये प्रथम लोकपाल हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, लोकपाल की अगर हम संरचना की बात करें तो लोकपाल की संरचना में कौन कौन आता है, तो इसमें लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष और आधे सदस्य, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो अध्यक्ष हैं ये, और इसमें से 8 सदस्य में से कितने सदस्य, 4 सदस्य जो हैं वो क्या होने चाहिए, कानूनी पृष्ठभूमि से होने चाहिए। ये ध्यान देना है कि एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य ये जो होते हैं इनके संरचना में होते हैं, यानी इतने सदस्य इसमें जुड़े होते हैं, टोटल 9 व्यक्ति होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष और आधे सदस्य यानी कि 4 सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि से होने चाहिए, यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए उन्हें। ठीक है, इसमें से भी 50% सीटें जो है एससी एसटी ओबीसी या अल्पसंख्यकों या कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ठीक है, अगर इनकी हम कार्यकाल की बात करें तो जिनका जो कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष, या अपनी एज के अनुसार अगर 70 साल के हो गए तब तक ये रिटायर हो सकते हैं, यानी कि 70 साल तक जो पहले हो जाए, या तो अगर आप 70 साल के पहले हो गए तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, या आप 5 वर्ष के पूरे कर लिए अपने कार्यकाल तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें अध्यक्ष का वेतन, तो वेतन भत्ता और कार्य जो भी है ये अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सदस्य के क्या होते हैं, तो इनके वेतन भत्ते और कार्य जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता और कार्य है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, लेकिन सदस्य का जो होता है वो अन्य न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है। बात करते हैं संविधान की मूल संरचना, कैसे हुई इनकी मूल संरचना, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवधारणा की। तो संविधान प्रकृति में जैविक है, यह सतत रूप से निरंतर बढ़ता है। ठीक है, संविधान निरंतर रूप से बढ़ रहा है क्योंकि यह संविधान की भावना का प्रतीक है। ठीक है, तो भाग 20 ध्यान देना है, भाग 20 संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, यानी प्राप्त है। संसद को अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार देता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी संविधान संशोधन, कोई भी संविधान संशोधन जो है किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है, यानी कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको संशोधित किया जाता है 368 से। लेकिन 368 एक और चीज है कि संसद को 368 में भी, यानी इस आर्टिकल में भी संशोधन की शक्ति है, यानी इस आर्टिकल में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत तो और बाकी संविधान में संशोधन होता ही होता है, लेकिन आर्टिकल 368 में भी संसद को संशोधन करने का अधिकार देता है। ठीक है, संसद की संशोधन शक्ति जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करने हेतु सीमित है, यानी कि जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन आप संसद नहीं कर सकते, यानी संसद संशोधन शक्ति संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर बात करते हैं संविधान के घटक क्या क्या हैं, तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर रखा होता है, यानी सबसे ऊपर होता है सभी चीजों में, संविधान सबसे क्या है, ऊपर है, सर्वोच्चता है। फिर इसमें आता है कानून के जो नियम है इनकी पालना करना, साथ में भारतीय राजनीति का संप्रभुता, लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन स्वरूप यानी गणतांत्रिक रूप, कार्यकारी विधायी और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि इनके जो अलग अलग कार्य हैं, इनकी जो शक्तियां हैं इनका अलगाव किया गया है, अलग अलग किए गए हैं, संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, इसके साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। आगे देखते हैं और क्या है संविधान के घटक के रूप में, तो सरकार की संसदीय प्रणाली, साथ में मौलिक अधिकारों और डीपीएससी के बीच संतुलन बनाना, समानता का सिद्धांत, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संवैधानिक संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध, न्याय तक प्रभावी पहुंच यानी कि न्याय सबको मिल सके, ठीक है, युक्ति युक्तता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके साथ साथ अगर हम बात करें संविधान के घटक के बारे में, तो अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां
जो है इसके तहत निहित है। अवधारणा कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है, ये सारी क्या है, तो ये है संविधान के घटक। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो एक बार हम फिर इसको रिवीजन करेंगे, एक बार फिर रिवाइज करेंगे, कब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे, संविधान के मुख्य संशोधन क्या क्या हुए, कब कब हुए और उनमें क्या क्या बदलाव हुआ और उनकी क्यों जरूरत थी, सभी मैटर पे हम बात करने वाले हैं, जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को फिर वहां से एक बार हम रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन अगर एक नजर हम यहाँ देखें तो अनुच्छेद एक जो है ये कहता है संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद दो जो है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है या इसके बारे में उल्लेखित है, जो क्षेत्रों की सीमाएं हैं यानी राज्यों की सीमाएं हैं या जो देश का संघीय सीमा है इसको बढ़ाना या घटाना, इसके साथ साथ मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, या ये छूट देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 13 में तो इसमें साथ में या कह सकते हैं साथ हो या में असंगत कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता यानी सभी समान है। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में औसत की समानता यानी सबको असमान औसत प्राप्त हो। अगर अनुच्छेद 17 के तहत बात करें तो यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। साथ में अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। हमने बात किया था प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये जो है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यहाँ पे प्रदान करना क्या है 21A के तहत निहित है। बात करते हैं आर्टिकल 25 के तहत, तो यहाँ पे है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे अभ्यास और प्रचार, यानी कि कोई भी हम धर्म अपना सकते हैं, ये हमारी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, हमारा कोई भी मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, ये कौन कहता है, तो ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है। 31C के तहत कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत की जाती है। इसके साथ साथ बात करें अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय होते हैं। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य करना यानी राज्य बनाना। अनुच्छेद 40 जो है ये क्या कहता है, तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन करता है। इसी के तहत जो है आगे ग्राम पंचायत जो अधिनियम है वो लाया गया था 1992 में, ठीक है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान देना यानी प्रावधान करना। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किसके तहत है, अनुच्छेद 46 के तहत है। बात करते हैं अनुच्छेद 50 के तहत क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, ठीक है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और सुरक्षा देना। आर्टिकल 51A के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य, हमने पीछे भी कुछ बात किया है। के साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 कुछ मामलों में क्षमा निरस्त प्रेषण या दंड देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है, इसके बारे में हमने ऊपर बात किया कि क्षमा क्या है, निरस्तता क्या है, प्रेषण क्या है और दंड देने के लिए जो भी है प्रावधान ये राष्ट्रपति की शक्तियां इसमें निहित है किसके तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 74, तो इसमें है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श, ठीक है। आर्टिकल 76 इसके तहत भारत का अटॉर्नी जनरल एक नियुक्त होगा। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा कार्य हेतु सूचना प्रदान करना, यानी कि कौन सा कार्य करने प्रधानमंत्री जी कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, किस कार्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या क्या कार्य हो रहा है इसकी सूचना किसको देना है, राष्ट्रपति को देना है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 78 के तहत। आर्टिकल अगर 110 की बात करें तो ये है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात करता है। आर्टिकल 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की जो शक्ति है, यानी कि जब संसद नहीं चल रहा है तो अध्यादेशों को लागू करना किसके पास इसकी शक्ति है, तो ये जो है शक्ति
राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ये किसके तहत होती है? तो 1, 2, 3 से याद रखिएगा, जब लोकसभा और राज्यसभा जो है जब रन नहीं कर रहा होता है, ये दोनों एक और ये दो, जब दोनों रन नहीं कर रहे होते हैं यानी नहीं चल रहे होते हैं, तो एक तीसरा होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के पास एक शक्ति निहित होती है जिसके तहत वो अध्यादेशों को लागू कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 143 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है यहाँ पे, यानी कि 143 जो है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं किसी भी मैटर पर, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, परामर्श लेगा ठीक है, जो उसको सही लगेगा वो वही करेगा, बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो परामर्श उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश देगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। बात करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। तो ये है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात, ये कौन होता है? तो हमने बात किया था कि ये कैग, ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बात करते हैं आर्टिकल 149 के बारे में। तो ये है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की, कि उनके कर्तव्य क्या है यानी कार्य क्या है और उनकी शक्तियां क्या है, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 147 के तहत। आर्टिकल 155 के तहत अगर बात करें तो ये है राज्यपाल की नियुक्ति जो कि प्रत्येक राज्य में होनी चाहिए। आर्टिकल 161 के तहत अगर हम बात करें तो क्षमा करने के लिए राज्यपाल की शक्ति है, यानी राज्यपाल के पास भी किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति है, कुछ मामलों में सजा देने की भी शक्तियां हैं। ये किसके तहत है? तो आर्टिकल 161 के तहत है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 जो है ये भी क्षमा, प्रेषण है ना, दंड, ये सब किसको? राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति निहित है कि किसी को क्षमा दे सकता है, किसी को दंड दे सकता है, किसी को प्रेषण कर सकता है, या किसी को निरस्त, किसी की क्षमा जो है किसी के कह सकते हैं दंड को निरस्त कर सकता है। 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है और 161 के तहत किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। ठीक है, आगे बात करते हैं 163, यानी जो आर्टिकल 163 है ये गवर्नर को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रिपरिषद की जो है गठन किया जाता है। अगर हम 165 के तहत क्या होता है? तो राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। 167 की अगर बात करें यहाँ पे तो यह राज्यपाल को सीएम द्वारा कार्य हेतु सूचना प्रदान करना है। अभी हमने ऊपर बात किया था राष्ट्रपति को भी है ना, 78 के द्वारा, आर्टिकल 178 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा सूचना प्रदान करना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 167 के तहत वहां पे है 78 और यहाँ पे क्या है 167 है, तो ये राज्यपाल को सीएम द्वारा कार्य हेतु सूचना प्रदान करना कि राज्य में क्या काम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में। बात करते हैं आर्टिकल 168 के बारे में। तो राज्यों में विधानों का जो संविधान है इनको लागू करना या इन चीजों को लेके आना। 169 के तहत राज्यों में परिषदों के उन्मूलन या निर्माण हेतु विधायिका की जो शक्तियां हैं ये आर्टिकल 169 में निहित है। आर्टिकल 170 के तहत राज्यों में विधानसभाओं की संरचना होती है, विधान परिषदों की संरचना होती है। आर्टिकल 214 के तहत यानी 214 के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 239 यानी 239 AA के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है जो कि राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विशेष ही प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत अगर हम बात करें आगे 243B के तहत, तो इसमें पंचायतों का गठन है। 243A के तहत पंचायतों का चुनाव और 275 के तहत जो है संघ में कुछ राज्यों का अनुदान। ठीक है, और 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन जो है कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। हमने बात किया जो आर्टिकल 368 है ये संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक कि 368 में भी यानी संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी संसद जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटी जो है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो तीन पार्ट में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, तीनों पार्ट को देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, यहां तक आ ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।